जय माता दी दोस्तों, तो आपको आज टाइटल से पता ही चल गया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में है। तो हम लोग आज जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए और अभी बच रहे हैं सुबह के 7:45। हम लोगों की फ़्लाइट है 9:10 की, तो हम लोग अभी बस तैयार व्यार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं। चलो, मैं एक बार ये दिया रेडी हो रही है और ये मम्मी है, मम्मी अपना कुछ तो फाइनल टचअप दे रही हैं कमरे को। एंड ही इज ऑस्लो। ऑस्लो बाय बाय, से बाय बाय। जय माता दी ऑस्लो। जय माता दी। तो ऑस्लो के लिए मेरी मासी आ जाएंगी और ये है मेरे मौसा जी। गुड मॉर्निंग मौसा जी। तो ये मेरे मौसा जी आए हैं और आज मौसी शाम को आएंगी तो ऑस्लो के लिए वो ध्यान वगैरह रखेंगी, है ना मौसी? आज शाम को आ जाएगी। हाँ, खाना वाना सब है। मेरा ऑस्लो, ऑस्लो जय माता दी बोल दो सबको। जय माता दी। हाय मिलो, बच्चों की तो क्यूट है। अरे मिलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। तो हम लोग अब आपको सीधे जम्मू एयरपोर्ट पे जाके मिलेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पे नहीं, ग्वालियर एयरपोर्ट पे अगर टाइम मिलेगा तो मैं करूंगी, इफ आई विल गेट द चांस सो डेफिनेटली, वरना हम आपको सीधे जम्मू एयरपोर्ट पे मिलेंगे। चलो टाटा। हाय मेरे छुटकू, हाय मेरे बच्चा, हाय मेरे बच्चा, हाय मेरे बच्चा, मेरे छोटू, हाय मेरे नाचू। और तो यहाँ पे बैठ के तुम है ना नजारे देखते रहना, ठीक है? हाय मेरे छुटकू। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे ग्वालियर एयरपोर्ट आ चुके हैं। मुझे चांस मिल गया रिकॉर्डिंग करने का। तो ये दिया है, ये मम्मी है और ये मैं हूँ। तो पापा, पापा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको फ्लाइट का? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पापा बहुत चिंता में थे कि है ना कैसे करना है, क्या करना है, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे जम्मू आ चुके हैं, मम्मी पापा का फोटो सेशन चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से जम्मू से कटरा जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जम्मू एयरपोर्ट उतर गए थे। जम्मू एयरपोर्ट के बाद प्रीपेड टैक्सी मिलती है, तो प्रीपेड टैक्सी आपको एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाएगी। तो प्रीपेड टैक्सी लेते हैं, तो प्रीपेड टैक्सी बुक करने का अमाउंट है अराउंड 1800 एंड आपको 140 रुपीज टोल लगेगा। तो वहाँ आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आएंगे, यहाँ नियर पेट्रोल पंप अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही तुरंत प्रीपेड टैक्सी कर लीजिए और आप अपने कटरा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से हम लोगों का कटरा है 50 किलोमीटर दूर, तो 1 घंटा हमें वहाँ पहुँचने में लगेगा। तो हमारा जो होटल है जो हमने ऑलरेडी बुक करके रखा था, वो हमें वहीं पर ही उतारेगी। और जाते जाते जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको साथ साथ देती जाऊँगी। जम्मू से कटरा के लिए आपको डायरेक्ट हाईवेज मिल जाएंगे, तो आपको रोड पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बिलीव मी गाइस, जम्मू से कटरा का जाने वाला रास्ता काफ़ी सीनिक था एंड ये कुछ 50 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस पे था। तो हम लोग एग्जैक्ट 1 घंटे में अपने होटल पे पहुंच गए थे। हम लोग यहाँ पे होटल में आ चुके हैं। होटल का नाम है डिवाइनो। ये यहाँ माता वैष्णो देवी की जो चढ़ाई होती है वहाँ से काफ़ी पास में है। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइन ओक पे आके थोड़ा सो लिए थे। अभी बज रहे हैं 5:00। अब हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होके दर्शन के लिए निकलते हैं। यहाँ से बाणगंगा अराउंड 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर हम लोग ऑटो से चले जाएंगे, वरना हो सकेगा तो चाय वाय थोड़ी पीते पाते मार्केट से होते हुए पैदल भी चले जाएंगे। तो अब हम आपको सीधा
वैष्णो देवी की यात्रा पे मिलते हैं। आ जाओ ना। तो हम लोग अभी जाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग बाणगंगा के लिए निकल रहे हैं और ये देखिए हम सब लोगों ने साथ में हम सब लोग जा रहे हैं पिंक कलर पहन के। चलो फिर जोर से बोलो जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। एंट्री है यहाँ पे। हम लोग अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से हमने एंट्री की यहाँ से जस्ट अर्ध कुमारी से। और यहाँ से आप देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। तो हम लोगों ने तो कुछ पालकी और घोड़ा खच्चर वगैरह नहीं किया है। हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं पैदल, कुछ नहीं लिया। पापा मैं यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप है ना शूज़ पहन के ही आएँ, सैंडल वैंडल मत पहन के आएँ क्योंकि थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर स्टूडियो है। हाँ ये स्टूडियो है, आप यहाँ पे ऐसे फोटो खिंचा सकते हैं। खिंचवाना नहीं है दीदी, तो दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये प्रसाद मिलता है नीचे। यहाँ पे आपको सारी दुकानें मिलेंगी और शाम का टाइम है तो काफ़ी ठंडक है। चलो बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है, ना पालकी ना डंडा ना कुछ, चले चल रहे हैं। देखते हैं कितनी एनर्जी रहेगी हम में, कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये मम्मी पापा दिया ये लोग आते हुए पिंक पिंक ड्रेस में। चलो ये हम लोग जा रहे हैं भाई। ये देखिए खच्चर इतने सारे। मम्मी खच्चर, मम्मी खच्चर। चलो मम्मी ने खच्चर के लिए मना कर दिया। मम्मी ने कहा जाएंगे तो पैदल जाएंगे और गर्मी की वजह से मैंने जय माता दी का यहाँ पे बांध लिया। पीछे मुड़ के बैठ गए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय, वेरी हाय, वेरी हाय। यस, वेरी हाय जी। टाइम हो क्या? तो नाम बताओ। एंट्री होने के बाद आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारे सामान है, आप खा सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगी प्रिफर करो कि पैकेट फूड ना लो। अगर आप पैदल जा रहे हो तो पैकेट फूड खाओगे तो आपका जो एनर्जी है काफ़ी ड्रेन होगा, वो आपकी बॉडी में आलस चलाता है। तो बेटर है अगर आप जा रहे हो तो फ्रूट लो या फिर कुछ लिक्विड ले लो। देखो खच्चरों से बच बच के कैसे जाना पड़ रहा है। ओह गॉड, ऐसा लग नहीं रहा था कितनी जल्दी थक गई है। हाँ, और थकान हो रही है। और यहाँ पे देखो मेरे मम्मी पापा दोनों डंडे लेके चल रहे हैं, पिंक पिंक मम्मी पापा। मैं देखो, हाँ ये दिया पर्स टांग के चल रही है। हाँ मुझे देखो, मेरे आई वॉच में आ गया कि मैंने गोल अचीव कर लिया है। वाओ, आफ्टर सो लॉन्ग मैंने गोल अचीव कर लिया है वॉक करने का। अच्छा खासा कार्डियो हो रहा है, मस्त। चलो अब देखते हैं क्या खाते हैं, कुछ तो खाएंगे। देखिए
कश्मीर की कली। यहाँ पे फोटो, ये फोटो बूथ है, यहाँ पे आप बैठ के फोटो खिंचा सकते हो। भाई ये खच्चरों का भी सेम रास्ता है, तो बड़ा एकदम से चलते चलते कहीं से खच्चर आ जाता है, तो साइड में हटो, तीन बार में टकराते टकराते बची हूँ। थोड़ा संभल संभल के चलिए यहाँ पे। और चलो, अब मेरी मम्मी को भूख लग रही थी तो मैं सोच रही हूँ। हाँ ये देखो मोदी जी खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए मोदी जी, और मोदी जी के साथ खड़ी है श्रद्धा कपूर। मोटू पतलू, वो माँ वैष्णो देवी हैं। और यहाँ पे मम्मी को थोड़ी भूख लग गई, तो मम्मी आप क्या खा रही हैं आगे से? तो अभी हम नहीं नहीं आगे चलो, आगे आगे चलो, गन्ने का जूस पीते हैं, आ जाओ चलो गन्ने का जूस पीते हैं। Yes. पीते हैं हम लोग गन्ने का जूस, थोड़ा हेल्दी रहेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी में। सोडा वोडा और ये पेप्सी वगैरह प्रेफर मत करो, मत पियो, शुगर का अच्छा नहीं है। चलो मेरे मम्मी पापा डंडा लेके खड़े हैं, यहाँ हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे और फिर निकलेंगे। तो ये हमारा जूस आ गया है, मैं फिर से जय माता दी जोश के साथ पी के देखो पियो कैसा है, देखो बताओ कैसा गन्ने के जूस जैसा। वाओ वेरी फनी, अच्छा है, लाओ मैं पीती हूँ। ये हम आ गए हैं बाणगंगा मोड़ पे, ये देखिए, ओ सॉरी सॉरी। ये देखिए इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन। मम्मी मम्मी कहाँ गई? मम्मी इच्छा पूर्ण, मम्मी इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन का मंदिर है ये। पोशाकें भी छोटे बच्चों की इतनी सुंदर मिल रही हैं, ये हिमांशु के बच्चे के लिए कुर्ता लेके जाते हैं। हिमांशु तुम्हारे बच्चे के लिए कुर्ता लेके जाएंगे यहाँ से। अब लड़की हो तो भी पहनाना, लड़का हो तो चल ही जाएगा। चलो ये देखिए ये लड़ रहे थे होटल में, और अब देखिए प्यार देखिए इन लोगों का। देखो ये डंडा मैंने ले लिया है ना मम्मी का, तो पापा मम्मी का सारा बने हैं बुढ़ापे का। ले लिया मम्मी, सबको बता दिया। ए, हम चले चल रहे हैं, बढ़िया वैष्णो देवी के दर्शन। यहाँ जगह जगह पे टॉयलेट की सुविधाएं भी हैं, तो उनकी श्रद्धा देखो, इतने बूढ़े हैं चल नहीं पा रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। देखो ये सामने आप देखिए कितने बूढ़े हैं लेकिन फिर भी चल चल के आ रहे हैं। देखिए इतने लोगों का यहाँ पे श्रद्धा है वैष्णो देवी पे। मम्मी थक के जूर और ये यहाँ पे रेस्ट करती हुई, ये पापा को, पापा आराम करो। यहाँ पे आप देख सकते हो मसाज सेंटर भी ओपन कर दिया है रास्ते में, तो लोगों को जैसे कि आप देख सकते हो जिनको भी बहुत थकान है तो वो यहाँ पे आके मसाज ले रहे हैं, जिससे थोड़ी सी उनको राहत मिल जाए। 50 रुपये में 15 मिनट। हाँ यह चरण पादुका मंदिर, तो चरण पादुका मंदिर की कहानी क्या है, बोलते हैं कि माँ वैष्णो देवी ने यहाँ पे रुक के उनका पीछा तो नहीं कर रहे, और यहाँ पर आके उनके पैर छप गए थे माता वैष्णो देवी के। तो इस मंदिर को ये सबसे पहला स्थान है जहाँ पे माता रुकी हुई थी, इसलिए इसको प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका कहा जाता है। तो ये मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। अंदर जा सकते हैं यार। तो हम लोग 7 बजे से हम लोगों ने चढ़ाई चालू की थी और चरण पादुका मंदिर पे हम लोग पहुँचे हैं 8:10 हो गया है, तो 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं हमें चलते चलते। अब आगे हम बताते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। चलिए